अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक हो तो हमको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। वह प्रॉब्लम है यहाँ पर यूपीआई इशू वाला। जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यूपीआई ऐप में लिंक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर फ़ोनपे पेटीएम, तो जैसे हमने यहाँ पर पेटीएम में अपने अकाउंट को लिंक करके रखा है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, दिस बैंक इज फेसिंग हाई यूपीआई पेमेंट। अब यहाँ पर हमने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को फ़ोनपे में भी लिंक करके रखा है। जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, फ़ोनपे को ओपन करते हैं तो फ़ोनपे में भी हमको यही वाला एरर देखने को मिलता है, यूपीआई इशू एट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जब आप यहाँ पर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे, यानी यहाँ पर कुछ भी करेंगे पेटीएम या फ़ोनपे किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, तो वहाँ पर पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बैंक की तरफ से यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से यूपीआई इशू चल रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, यह एरर आता जा रहा है, हट ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना होगा, आप बहुत से यूजर्स अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका बैलेंस रुपए जीरो देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस रुपए क्यों जीरो देखने को मिल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं और आपका वहाँ पर बैलेंस रुपए जीरो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से अभी यहाँ पर टेक्निकल इशू चल रहा है, यूपीआई इशू भी चल रहा है, यानी बहुत से टेक्निकल एरर चल रहे हैं, इसी कारण आपका बैलेंस शो नहीं हो रहा। लेकिन आपका बैलेंस है, जब यहाँ पर इसका टेक्निकल इशू प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका बैलेंस भी दिखने लगेगा और आप सेंड मनी भी कर पाएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, यह बैंक की तरफ से टेक्निकल इशू है जो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स होगा, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यह कब तक फिक्स होगा, तो इस बारे में बैंक ने यहां पर कोई भी टाइम नहीं दिया है। तो आप यहां पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर आईपीपी बैंक के कस्टमर केयर से कॉल कर सकते हैं।